और अब बात करते हैं मौसम की। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों से तेज बारिश के साथ आंधी चल रही है और इसी वजह से पूरा भोपाल जलमग्न हो गया। इतना नहीं, तालाबों में भी समुद्र जैसी लहरें देखने को मिल रही हैं। तेज बारिश और हवाओं की वजह से भोपाल के बड़े तालाब में 20 फीट तक लहरों में उछाल देखने को मिला। इतना ही नहीं, यहाँ कई क्रूज पानी में आधे डूब गए। तो इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमृतांशी जोशी ने, दिखाते हैं आपको। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। सबसे विकराल नजारा इस बारिश का देखने को मिल रहा है बड़े तालाब में। आप फिलहाल देखिए बड़ा तालाब कैसा लबालब हुआ पड़ा है। यहाँ पर लहरें उठ रही हैं। जो बोटिंग क्लब बना हुआ है उस पर आने को तारू है और लगातार तेज लहरें चल रही है, लगातार तेज बारिश हो रही है। लोगों का आना यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि जितनी तेज यहाँ बारिश हो रही है ये विकराल रूप लेती जा रही है और कहीं ना कहीं ये डरा रही है। आप लहरें देखिए, बड़ा तालाब, ये तूफानी बारिश जो है। राजधानी भोपाल का ये नजारा इससे पहले आपने शायद ही कभी देखा होगा कि किस तरीके से बड़े तालाब में यहाँ लहरें उठ रही हैं और कई सालों की बारिश का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में टूटा हुआ नजर आएगा। और यही बारिश बता रही है कि रेड अलर्ट जो है बारिश को लेकर क्यों जारी किया गया था और तूफानी बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र पांडे के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल।